सर वो लोग भाग तो नहीं गए? नहीं, लेकिन तुम्हें यकीन है कि उनका हेडक्वार्टर इसी कब्रिस्तान में है? हाँ, आप जरा अपना रिवॉल्वर मुझे दीजिए। मिस्टर धर्मदास, मिस्टर धर्मदास, भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूं। तुमने तो कहा था कि वो मर गया, फिर यहां कैसे आए? योर हाइनेस, मैंने सोचा था कि तुम्हें यहां सोचने के लिए नहीं रखा मैंने, तुम्हें मैंने सिर्फ हुक्म मानने के लिए रखा। हम सूर्यवंशी हैं, हम किसी गुफा में डूबकर मरने के लिए पैदा नहीं होते। तुम जाओ, अपने साथ कुछ आदमी को ले जाओ और अपने आप को कानून के हवाले करने का नाटक करो, और कुछ देर बाद यहां ना कानून होगा न कानून वाले। जाओ, गो गो गो, कम ऑन। पांडे, धर्मदास कहाँ है? नीचे है। मेरी मां कहाँ है धर्मदास? तुम्हारी मां यही है हमारे पास। अगर तुम उसकी लाश देखना चाहते हो तो पुलिस वालों को अपने साथ लेके आओ, और अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले आओ, अकेले। नहीं राम, मैं तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने की इजाजत नहीं दूंगा। सर, तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं ये जिंदगी भर सोचता रहूं कि अपनी जान बचाने के लिए मैंने अपनी मां की जान बचाने की कोशिश नहीं की? लेकिन देश को तुम्हारी जरूरत है राम। सर, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि हम अपने देश को अपनी मां मानते हैं। हम जानते थे कि अपनी मां के आखिरी दर्शन के लिए तुम जरूर आओगे। हमने तुम्हारी मां को बड़ी हिफाजत से रखा क्योंकि हम चाहते हैं वो एक बार तुम्हारे दर्शन कर ले। तुम इकलौते बेटे हो ना। उधर क्या देखते हो? इधर देखो, वो तो आईना है। मेरी मां कहां है धर्मदास? दुश्मनी तुम्हारी मेरी मां का क्या कसूर? उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने तुम्हें जन्म देने की भूल की है। तब तो तुम सूर्यवंशी नहीं हो, क्योंकि सूर्यवंशी राजपूत दुश्मन की मां को भी अपनी मां समझते हैं। तुम बहुत जहीन आदमी हो, मगर मेरे पास वक्त नहीं है। एक बात बताओ, मां की आंखों के सामने बेटे के मरने का नजारा ज्यादा दिलचस्प होगा या बेटे की आंखों के सामने मां के मरने का नजारा? वो क्या है कि मैंने आज तक कभी मां को बेटे के सामने, बेटे को मां के सामने मरते हुए देखा ही नहीं। नेवर। तुमने आज तक अपने जैसे किसी कमीने आदमी को भी मरते हुए नहीं देखा होगा। अपने आदमी से कहो मेरी मां को छोड़ दें। कहो, छोड़ दो, छोड़ दो। सोचते क्या हो, गोली मारो, मारो। नहीं, कानून ने मेरे हाथ पकड़ रखे हैं। मैं तो तुम्हें हथकड़ियां पहनाकर बाजारों में पैदल गुजारूंगा।
ताकि दुनिया देख सके कि एक देशद्रोही की सूरत कैसी होती है, और फिर अदालत तुम्हें एक मामूली कातिल की तरह फांसी की सजा देगी। हम सूर्य हैं, हम खुद डूबते हैं, कानून हमें फांसी नहीं दे सकता। पकड़ लिया, पकड़ लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। मत छोड़ना, मत छोड़ना दोस्त। मिल गया, मिल गया। छोड़ो मेरा बेटा, छोड़ो मुझे। चुप करो, चुप करो, मुंह बंद करो अपना। क्वाइट, चुप करो। शाबाश, शाबाश, शाबाश। छोड़ना मत, छोड़ना मत, छोड़ना मत। पकड़, 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 जोर से, जोर से। पकड़ दम, जोर से, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। शायद तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी हुई है। धर्मचंद, लानत है तुम पर। अपनी ही बेटी के कातिल का साथ दे रहे हो। तुम्हारे ये योर हाइनेस ने मंजू का कत्ल करवाया है। झूठ बकते हो तुम। अगर आप समझते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो ऊपर जाकर कमिश्नर साहब से पूछ लीजिए, या योर हाइनेस से पूछ लीजिए। ये तो सूर्यवंशी हैं, झूठ कभी नहीं बोलेंगे। योर हाइनेस, क्या ये? हाँ, हमने तुम्हारी बेटी का कत्ल करवाया था। क्यों? वो ये है ना, ये पुलिस का आदमी, इसको हम तक पहुंचाया था उसने। योर हाइनेस, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? ये तो फिर मेरे हाथ में आ गया, मेरे हाथ में आ गया, और इसके साथ तुम लोगों का मुकद्दर भी मेरे हाथ में आ गया। लगता है तुम लोगों के नसीब में जिंदा रहना है ही नहीं। छोड़ना चुहे, कितना चुहे, 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 सब चुहे। तुम हमारे साथ जिंदा रहने के तो लायक थे ही नहीं। लगता है तुम लोग हमारे साथ मरने के भी काबिल नहीं हो। जाओ, get out, जाओ, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, जाओ। एक ही रह गई, अब इसे समझ में नहीं आता मैं किसको मारूं, बेटे को मारूं, माँ को मारूं, बेटे को मारूं। कि माँ को मारूं, बेटे को मारूं, माँ को मारूं। Thank you.
की कोशिश मत करना, खबरदार। नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। मुझे नहीं पकड़ो, मुझे नहीं पकड़ो। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने, मैंने कुछ नहीं किया। राम, 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 बेटा।